हेलो दोस्तों, मैं पंकज चौधरी, वेटनर सब में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले नर्सिंग की वैकेंसी राजस्थान में, नर्सिंग की यानी कि नर्सिंग और एएनएम की दोनों की वैकेंसी आपको राजस्थान में यहाँ पे निकली है, उनके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिए, हम पूरी जानकारी जानेंगे कि वो वैकेंसी कहाँ से आई है और कहाँ पे क्या लास्ट डेट रहेगी और कैसे अपने को फॉर्म कहाँ पे फॉर्म फिल होंगे। तो नर्सिंग की वैकेंसी राजस्थान में जिनको इंतजार था उनके लिए ये न्यूज है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान सरकार है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत यानी एनएचएम के अंतर्गत यहाँ पे वैकेंसी आई है, जिसमें बात कर रहे हैं कि विषय है जयपुर शहर में शुरू होने वाली जनता क्लिनिक में, यानी कि आपकी पोस्टिंग जयपुर शहर में जो जनता क्लिनिक होगी बहुत अच्छी पोस्टिंग रहेगी, यानी कि जयपुर शहर में आपको पोस्टिंग मिलेगी और जनता क्लिनिक में आपको पोस्टिंग यहाँ पे दी जाएगी। एनएचएम के कार्य के अंतर्गत आपको यहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी, जिसमें जीएनएम और एएनएम के आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि यानी कि जयपुर शहर में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है जनता क्लिनिक में, और जिसमें आपको जीएनएम के लिए 26 पदों के लिए रिक्वायरमेंट है, और जो एएनएम की बात करें तो 14 पदों के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपकी पोस्टें रहेंगी 26 जीएनएम के लिए रहेंगी और 14 यहाँ पे एएनएम के लिए पोस्टें रहेंगी। दूसरी बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि जो भी इच्छुक है यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए, वो ईमेल के थ्रू अपना जीएनएम या एएनएम का फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि आपको ईमेल मिलेगी co.hrd.nhm@gmail.com पर दिनांक 30/11/2019 के समय 6 बजे से पहले आप वहाँ पे आपको मेल पे आपको फॉर्म सबमिट कराना है, यानी कि और इनमें कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि टीएसपी या एस्पिरेशनल जीरो में कार्यरत संविदा कर्मी आवेदन नहीं कर सकेंगे, यानी कि जो टीएसपी एरिया में संविदा पे कार्य कर रहे हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा है इच्छुक संविदा कर्मी या और को आईटी से संबंधित बेसिक ज्ञान आवश्यक है, यानी कि यहाँ पे, और इस हेतु आवेदन की परीक्षा या साक्षात्कार लिया जाएगा, यानी कि आपकी परीक्षा भी ली जा सकती है या आपका परसेंटेज बेस भी देखा जा सकता है। बाहरी जिलों में कार्यरत ऐसे आवेदक जिनके जीवन साथी जयपुर जिले में कार्यरत हो या आवेदक एकल महिला हो तो उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, यानी कोई बंदा काम बाहरी जिलों में कर रहा है, उसकी पति या पत्नी जयपुर जिले में रह रहा है तो उसको प्राथमिकता यहाँ पे दी जाने वाली है। नेक्स्ट, यहाँ पे जनता क्लिनिक का समय आपको 9 से 1 बजे तक रहेगा फर्स्ट पारी में, और सेकंड पारी में रहेगा 3 से 6 बजे तक रहेगा शाम के। तो दोस्तों, और यहाँ पे जो आपकी अटेंडेंस लगेगी वो बायोमेट्रिक के थ्रू लगेगी। तो दोस्तों, आप इस फॉर्म को देखना चाहेंगे कि कैसा फॉर्म आपको फिल करके मेल करना है। तो सबसे पहले फॉर्म का ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, इसमें इस फॉर्मेट में आपको फॉर्म भरना है, यानी कि यहाँ पे आपको इस फॉर्म को सबमिट मेल पे कराना है जो आपको मेल बताई गई थी। यहाँ की नोटिस रेफरेंस नंबर आपको डालना है, इसके नोटिस रेफरेंस नंबर भी आपको मैं भी बता देता हूँ, जो कि ये है क्रमांक F20504NHMHRD2019551 और दिनांक रहेगी आपकी 20/11/2019 वाली। तो इसमें सबमिट करना है आपको, आप किस पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हो, जीएनएम या एएनएम ब्लॉक लेटर में, इसमें आप देख सकते हो कहाँ कहाँ आपको फिल करना है। और ईमेल आईडी आपको मस्ट, यानी ईमेल आईडी ज़रूर डालनी है, और मोबाइल नंबर भी आपको ज़रूर डालना है। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे ये फॉर्म का ही पार्ट है, सेकंड पार्ट, यहाँ पे आपको डिग्री, डिप्लोमा, यूनिवर्सिटी सब चीज़ें बतानी है, कैसे पास, किस ईयर में पास हुए थे और किस परसेंटेज के साथ आप पास हुए हो, और अगर आपका कुछ सब्जेक्ट है, और आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा लास्ट में एक, आई क्लियरफाई दैट द इन्फॉर्मेशन फर्निश बाई मी इज ट्रू, यानी कि जो भी चीज़ आपने प्रोवाइड कराई है उनको इस फॉर्म में वो सभी सत्य हैं, और उन पर आप उन और आप यहाँ पे जो भी दे रहे हो उनको कोई भी इलीगल चीज़ नहीं प्रोवाइड करवा रही हो, यानी कि आप उन चीज़ों में सभी में मान्यता प्राप्त हो। और दूसरी चीज़ ये दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक मार देना, बाकी और नर्सिंग के वीडियोस के लिए आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।